हाय फ्रेंड्स, आज हम एक थर्मल कैमरा है इसका अनबॉक्सिंग और रिव्यू करेंगे और ये कैसे यूज़ होता है वो देखेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हो, फ्लिप कंपनी का है थर्मल कैमरा। इसका मॉडल है TC01A। ठीक है, फ्लिप कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है, मल्टीमीटर वगैरह सारा कुछ बनाती है। तो आइए हम इसको अनबॉक्स करते हैं। इसके अंदर एक ऐसा मैनुअल है मेरे हिसाब से ये, ठीक है। हम इसको ओपन करके देखते हैं क्या है इसके अंदर। इसमें कुछ ज़्यादा जानने वाली बात नहीं है, बिकॉज़ ये थर्मल कैमरा है तो कुछ ज़्यादा जानने वाली बात नहीं है। और अगर आपको इसका एप्लीकेशन डाउनलोड करना है तो एंड्रॉयड में ही ये चलेगा, कि बिकॉज ये टाइप सी आता है तो एंड्रॉयड में ही चलेगा। इसको ये QR को अगर आप स्कैन करेंगे गूगल लेंस में जाके तो सीधा इसका एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इसको साइड में रखते हैं, बिकॉज हम लोगों ने तो एप्लीकेशन वगैरह सब डाउनलोड कर रखा है, तो इसको मैं साइड में रखता हूँ। और दूसरा इसके साथ आता है ये वारंटी कार्ड, बिकॉज जो हमारा फ्लिप कंपनी है ये वारंटी भी देती है, तो इसके साथ वारंटी कार्ड आता है। अब पता नहीं ये लोग देंगे कि नहीं देंगे। तो जैसे देख सकते हो, ये है थर्मल कैमरा। ओके, डिज़ाइन बहुत प्यारा बनाया है, बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम स्लिम है और टाइप सी है, कोई बात नहीं है। IC बोलते हैं इसको, जो ये मॉडल है इसको IC बोला जाता है। और इसके एक दो मॉडल और भी हैं, तो देखते हैं हम ये कैसा लगता है, इसका इंटरफेस वगैरह कैसा है। तो एक एंड्रॉयड फ़ोन लिया हमने, ये हमने इसमें ऑलरेडी इसका जो है वो डाउनलोड कर रखा है एप्लीकेशन, फ्लिप IC करके एप्लीकेशन है। तो हम जैसे ही इसको लगाएंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा पॉपअप कि आप इसको यूज़ करो USB के थ्रू। और ये आपका थर्मल कैमरा चालू हो गया, आप देख सकते हो। तो इसका डेमो करने के लिए एक बहुत अच्छा हुआ कि हमारे पास एक हैंडसेट भी आया हुआ है iPhone 11, वो शॉर्ट है। तो आप जैसे देख सकते हो iPhone 11 का बोर्ड है और ये शॉर्ट है। तो देखते हैं ये कैसा क्लैरिटी इसके अंदर दिखाता है कि क्या करता है। हमारे पास DC है, DC में हमने 4 वोल्ट और 5 एम्पियर सेट कर रखा है और इसको हम कनेक्ट करेंगे DC के। तो ठीक है, इसको ऐसे नीचे रखना है, अभी DC ऑन नहीं करनी है, पहले पूरा एंगल, ये पूरा बोर्ड दिख रहा है इसके अंदर, मे भी आपको दिख रहा होगा शायद तक, तो भी हम लोग थोड़ा एंगल सेट कर लेंगे। और इसके अंदर पूरा हमको जो बोर्ड है वो दिख रहा है, शो हो रहा है। और अब हम DC ऑन करेंगे। देखिए यहाँ पे एक कैपेसिटर हीट हो रहा है, इसने बता दिया। ठीक है, अगर आपको फ़ोटो भी क्लिक करना है तो आप इधर क्लिक करके इसका फ़ोटो भी क्लिक कर सकते हो। देखो यहाँ पे फ़ोटो भी आ गई है यहाँ पे। ओके, तो आप इससे बाद में कंपेयर कर सकते हो कि ये, मतलब कि बाद में कंपेयर कर सकते हो बोर्ड के अकॉर्डिंग कि कहाँ पे शॉर्टिंग है कहाँ पे नहीं है। ठीक है, एक तो ये हो गया, और दूसरा क्या होगा कि इसके अंदर है ना वीडियो का भी ऑप्शन है। तो जैसे आप वीडियो पे क्लिक करोगे और फिर यहाँ क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे सेकंड स्टार्ट हो गया है और ये हीट हो रहा है यहाँ पे, इस जगह पे ये दिखा रहा है। ठीक है, और ये साथ साथ में कितना सेल्सियस हीट हो रहा है ये भी बताता रहता है। और अब इसको पॉज कर दिया हमने, यहाँ गैलरी में जाएंगे इसकी, यहाँ पे आ गया। तो देखिए ये वीडियो चल रहा है, जैसे आपको स्लो मोशन में भी देखना है, धीमे धीमे देखना है, तो आपको पता चल जाएगा कहाँ पे शॉर्ट है कहाँ पे नहीं है। तो एक ऑप्शन मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा है। और एक बात बताऊँ तो यहाँ पे वाटर मार्क आ रहा है फ्लिप का, आप चाहो तो इसको अपना भी वाटर मार्क आप यहाँ पे लगा सकते हो। ये वाला मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा जो वाटर मार्क वाला है। तो आप यहाँ पे देखिए वाटर मार्क का जो ऑप्शन है, यहाँ अगर हम जाएंगे तो ऐड वाटर मार्क करके आप यहाँ पे अपना वाटर मार्क वगैरह ऐड कर सकते हो। और फिर जब आप वीडियो बनाओगे तो आपका ही ब्रांड का नाम आएगा, जो भी आप रखना चाहते हो। ठीक है, तो ये ऐसे दिखा रहा है। ओके, मुझे ये मल्टीमीटर मुझे ये थर्मल कैमरा ऐसे अच्छा लगा। और फ्लिप बहुत रेपुटेड कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, तो इसलिए मैं इसको अगर कुछ दिन यूज़ करूँगा तो मैं आपको इसका आफ्टर यूजिंग का रिव्यू भी दे पाऊँगा। बट बहुत अच्छा लगा। इसका इस टाइम पे मार्केट वैल्यू कुछ समथिंग 28,000 या 29,000 के आसपास का इसका मार्केट वैल्यू चल रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो और हम आपको ओरिजिनल, बिकॉज फ्लिप का कॉपी भी बहुत आता है, तो हम आपको ओरिजिनल और बेस्ट प्रोडक्ट बेस्ट प्राइस में दे सकते हैं।